उज्जैन में कार्तिक माह की वैकुंठ चतुर्दशी की अर्धरात्रि को अद्भुत नजारा देखने को मिला, क्योंकि यहाँ भगवान भोलेनाथ अपनी सवारी के साथ गोपाल मंदिर पहुंचे और परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी का भार सौंप कर कैलाश पर्वत चले गए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ के इस मिलन को हरिहर मिलन के रूप में मनाया गया। हरिहर मिलन के नाम पर उज्जैन में हजारों वर्षों से चली आ रही ये परंपरा अद्भुत है। यहाँ हरि से आशय श्री कृष्ण से और हर से आशय महादेव से है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर पृथ्वी का समग्र भार वैकुंठ के वासी श्री कृष्ण को सौंप कर 4 माह के लिए कैलाश पर्वत चले जाते हैं। इस परंपरा के बाद से ही समग्र मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। रात्रि 2 बजे भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण के मिलन का नजारा देखते ही बन रहा था। जी देखिए कि जैसा माना जाता है कि 6 महीने जो है वह हरिहर को पदभार दे देते हैं, जब देव सो जाते हैं। तो जब देव सोए थे तब भगवान गोपाल जी ने बाबा महाकाल को इस पृथ्वी का पदभार दिया था। तो आज वापिस महाकाल जब देव जाग चुके हैं तो उन्हें यह पदभार सौंपने के लिए पधार रहे हैं। तो उन्हीं के स्वागत में यहाँ पर जो है वो पूजा होती है, उसी हरिहर मिलन कहा जाता है। इसमें गोपाल जी की ओर से तुलसा जी की माला बाबा महाकाल को पहनाई जाएगी और बाबा महाकाल की ओर से बिलपत्र की माला गोपाल जी को पहनाई जाएगी। मुख्य पूजा द्वारकाधीश गोपाल मंदिर वैकुंठ चतुर्दशी महापर्व देव उठनी 11 के दिन भगवान विष्णु जब इस ब्रह्मांड के अंदर आए तो उसके पश्चात आज के दिन भगवान शिव जो 4 महीने से पूरे ब्रह्मांड का भार ले रखा था वो आज विधिवत तरीके से भगवान शिव भगवान विष्णु के दरबार में आए हैं और विष्णु को शास्त्रोक्त वेदोक्त पद्धति के साथ में आज सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। भगवान शिव को बिलपत्र की जो माला प्रिय होती है वो भगवान विष्णु धारण करेंगे और विष्णु को जो तुलसी की माला प्रिय है वो भगवान शिव धारण करेंगे और इस प्रकार से हरि और हर का मिलन होगा। वैकुंठ चतुर्दशी में भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर इस तरह का महापर्व मनाया जाता है। जय महाकाल।